कल आ रहा है ना भाई सोनू सर के सेमिनार में? नहीं यार, पापा मना किए। अरे यार, तूने अपने पापा को नहीं समझाया कि 99% लोग दुनिया देखने के लिए बने होते हैं, मैं उन 1% में से बनूंगा जो दुनिया को दिखाने के लिए बने होते हैं। लड़खड़ा गया ना। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रिजबेस चैनल। सो आज मेरी सुबह हो गई है और मैं आज जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है कचहरी, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ और जल्दी जल्दी जा रहा हूँ दुकान अपने लिए कुछ चिप्स और कुछ पीनट्स वगैरह लेने। ये देखिए सोरा खुजला रहा है अपने आप को, कुत्ता सोरा है, गलती से मुँह से निकल गया। सो मैं जा रहा हूँ दुकान, कुछ अपने लिए लूँगा, उसके बाद चाय पीकर फिर आपको मिलते हैं। ये है चाय की पत्ती और ये है मेरा नाश्ता। अभी ये तो रोटी तलवा लेंगे, मेरी फेवरेट है वो। तो ये मेरा हो गया नाश्ता, मैं जा रहा हूँ उसको लेके जल्दी से करूँगा ब्रश और चाय पीकर नाश्ता कर। मुझे आज, जैसे कि मैंने बताया आपको, मुझे आना कचहरी, तो फिर मुँह हाथ धोकर और थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों रोज़ की तरह आबिद साहब आ चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा हूँ कैमरे में, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना शूट। आज जाने का प्लान था कहीं, लेकिन बहुत यार बहुत गर्मी हो रही है, क्या बताएं, ऐसी गर्मी आ गई इतनी जल्दी ना, नहीं बता सकते। तो इतनी गर्मी हो रही है तो इस वजह से कहीं जा नहीं सकते अभी, और मुझे थोड़ा काम भी है, 4 बजे जाना है और अभी 2 बज रहा है। हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, नमाज़ खाना पीना, और आबिद आ गया है, खाना के हमदम नाश्ता कर लिया, आबिद भी आ गया है। तो अब हम लोग शूट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनना है। कुछ कंटेंट है अपने पास, उसको शूट करते हैं और कुछ नहीं, बस वीडियो देखना, तो इस पर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर कर देना और आज 600 करा देना बस, चाहे जो हो जाए। 600 नहीं, 700 करा देना, हाँ 700 करा देना। तो अब हम लोग मिलते हैं शूट के बीच में या शूट के बाद, जैसा होता है बताते हैं। अभी प्लानिंग चल रही है कैसे करना है, गेटअप क्या है, लोकेशन क्या है, सब डिसाइड करते हैं फिर मिलते हैं हम, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरा देख सकते हो लुक, अभी हम लोग शूटिंग पर हैं, शूट कर रहे हैं। बहुत गर्मी है भाई, हालत खराब होगी, पंखा चला नहीं सकते, घर 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 की आवाज़ आती है कैमरे में, और गर्मी इतनी है कि पूछो मत। और एसी भी चला नहीं सकते क्योंकि बिल इतना आने लगेगा अभी से कि भूसा हो जाएंगे। 5,000 रुपये बिल देते हैं, 5,000, 6,000, 5,800 ऐसे। अभी भाई हमारा बैठा है, शूट कर रहा था और थक चुका है बेचारा, क्योंकि एक वीडियो शूट करने हम लोग 8 टेक ले चुके हैं अभी तक, और अभी परफेक्ट नहीं उतरी है। लेकिन आबिद का कहना है कि अगर और अभी लोगे तो और ख़राब होती चली जाएगी, तो अभी 2 शूट ऐसे लगे कि हाँ सही हैं, तो उनको एडिट करके देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर कल फिर ये शूट करेंगे। देखते हैं, मिलते हैं शूट के पीछे, ठीक है। ये शोजू भाई आज अपने वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए इनका लुक, और ये आबिद भाई, दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं अपने व्लॉग की। सो बस तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में वीडियो बन जाएगी, मिलते हैं फिर। ओके बाय। तो कल आ रहा है ना भाई सोनू सर के सेमिनार में? नहीं यार, पापा मना किए। अरे यार, तूने अपने पापा को नहीं समझाया कि 99% लोग दुनिया देखने के लिए बने होते हैं, मैं उन 1% में से बनूंगा जो दुनिया को दिखाने के लिए बने होते हैं। लड़खड़ा गया ना थोड़ा सा। कल आ रहा है ना सोनू सर के सेमिनार में? नहीं यार, पापा मना किए। भाई कल आ रहा है ना सोनू सर के सेमिनार में? नहीं यार, पापा मना किए। अरे माय डियर फ्रेंड, तूने अपने पापा को नहीं समझाया, 99% लोग दुनिया देखने के लिए बने होते हैं, लेकिन तू उस 1% में से बनेगा जो दुनिया को दिखाने के लिए बने होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने इस अपॉर्चुनिटी का जुगाड़ बहुत मुश्किल से किया है, इसको हाथ से जाने मत दे। बड़ी बात नहीं, मेरा पहला चेक 9,000 रुपये का आया है, तीसरा चौथा 1,00,000 रुपये का आएगा, उसके बाद तो मैं शायद टाइम भी नहीं निकाल पाऊँ तुझसे बात करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, सोनू सर को देख, मुंबई में 4-5 बिल्डिंगें, रोल्स रॉयस, मोदी जी के साथ चाय पीते हैं, योगी रोज घर आता है मुलाकात करने, सलमान खान उनके घर में रह रहा है। माय डियर फ्रेंड, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दे, कल मिलते हैं सोनू सर के सेमिनार में, राइट 12:30 बजे एकदम पहुंच जाना मेरे दोस्त। माय डियर फ्रेंड, कभी भी मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। तो जरूर जाओ माय डियर फ्रेंड, मेरा क्लाइंट आ रहा है, मैं तुझसे बात करता हूँ थोड़ी देर के बाद। बन गई। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग की वीडियो लाइक कर देना, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करी। तो इस टाइप की वीडियो आ रही है गाइस, उसको देखना, बहुत मुश्किल से बनाई है, याद कर करके अच्छी बनी होगी आई होप। तो अभी हम लोग का रात का टाइम हो रहा है, शूट कंप्लीट हो गया था, अभी व्लॉग शूट कर रहे हैं जो कि पहले बन चुका था, अभी ये शूट कर रहे हैं। अभी मम्मा किचन में कुछ बना रही है बहुत टेस्टी यूट्यूब से देख के, तो वो आप लोग को दिखाते हैं, और फिर जब खाएंगे तब भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं जब वो बन जाता है थोड़ा सा, अभी बना रही है तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या क्या डाल रही हैं और कैसे बना रही हैं, यूट्यूब से देख देख के वो भी खूब बनाती हैं, तो अभी वो बना रही है वो दिखाते हैं आप लोग, ठीक है। आओ, ये देखो गाइस, आज फिर से हमारे यहाँ कुछ बन रहा है,
यूट्यूब से देख के क्या बन रहा है, ये क्या है, देगी स्टाइल चिकन कोरमा इजी एंड क्विक चिकन कोरमा रेसिपी, ये देखिए गाइस। रोज मेरा कुछ बेहतरीन बेहतरीन बनता रहता है, अब ये जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बेहतरीन कुछ बन रहा है, टेस्टी एक लेवल का। तो ये तैयार हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स सारा डल रहा है यूट्यूब से देख देख के। ये देखिए गाइस, ये रखिए भुंजी प्याज, मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसी लगती है कमेंट में बताना। और ये देखिए, ये देख देख के बन रहा है, सब बन जाता है तो आप लोग को फिर पूरा दिखाता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली ये अब क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, अब पानी डाल के भी खौलाया जाए उसका तैयार हो जाएगा ना, बस ये पानी डाल के खौलाया जाएगा तैयार हो जाएगा, फिर मैं तैयार हो जाएगा तो दिखाऊंगा और खा के भी दिखाऊंगा कि कैसा है। अभी ये पानी डाल के खौलाया जाएगा, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, फिर बताते हैं कैसा बना है, ठीक है। ये देखो गाइस, अब ये मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ देने, ये चिकन बन चुका है, क्योंकि अब कुछ अच्छा बने और बटे ना तो बेकार है, देख रहे हैं। तो मैं इसको जा रहा हूँ अपनी सबसे छोटी वाली सिस्टर के यहाँ देने और फिर हम घर में खा के बताते हैं आपको ये कैसा बना है। सो गाइस, ये बन चुका है देगी चिकन, अब इसको हम टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे कैसा है। सो गाइस, ये मेरा निकल चुका है, अब मैं आप लोग को खा कर बताता हूँ, अब हमें दिखाओ, अब मैं खा करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। रुक जाइए, अम्मा की हमारी नजरें टिक रही है ना ऊपर, देखते हैं। एक में समझ में नहीं आया, रुक जाओ दूसरा खाने का। बहुत टेस्टी, अच्छा बने या ना बने लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल बनाए तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। अब व्लॉग बंद करूंगा मैं, खाऊंगा, खाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है, बंद कर दो। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने खाना वाना सब खा लिया है और बहुत टेस्टी बना था चिकन, क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। और बस अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो भी आपका बेस्ट पार्ट हो उसको कमेंट में बता देना। और जो आज आपने देखा होगा बिहाइंड द सीन BTS जो आपने देखा होगा, वो वीडियो आपने शायद अब तक देख ली होगी या फिर वो वीडियो कल आ जाएगी, तो उसको देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ज़रूर से चेक ज़रूर कर लेना, ये ब्लॉग देखने के बाद वाली वीडियो चेक कर लेना, शॉर्ट्स में पड़ी होगी ज़रूर से। और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट, जो भी हो कमेंट कर देगा। सच में अभी आजकल आप लोग ना एक दो वीडियो से कमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट किया करो, जो भी हो कमेंट मार दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी हो तोड़ डालो बटन को, फोड़ डालो लाल वाले बटन को, नीला पीला हरा नीला गुलाबी जो बनाना बना दो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। और जितने लोग भी देखते हो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है, जो भी राय हो अच्छी बुरी गंदी बहुत अच्छी बहुत प्यारी, दिल स्माइली थम आग जो भेजना पड़े तो, लेकिन वीडियो को कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो कल मिलते हैं किसी नए और शानदार ब्लॉग के साथ, बाय बाय।